एंड क्लोज ए बी बी एन इंटरवल तो आपके पास एक फंक्शन है और एक इंटरवल है क्लोज ए बी दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी सपोज आपने यफ ऑफ ए वैल्यू फाइंड की एंड इट इज पॉजिटिव और निगेटिव एंड यफ ऑफ बी इज इट इज निगेटिव ओके सो वी कैन सी दिस फंक्शन हैज पॉजिटिव साइन ऑन पॉइंट ए एंड निगेटिव साइन ऑन पॉइंट बी दैट मीन्स दे हैव ऑपोजिट साइन ऑन द पॉइंट ऑफ द इंटरवल सो इसका मतलब अब क्या होगा कि इस इंटरवल में एटलीस्ट एक रूट इस पॉलिनोमियल का या फिर इस फंक्शन या पॉपिक्स का 100 परसेंट एग्जिस्ट करेगा

आपको एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसके एक पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव और एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव। लेट्स से वी हैव इंटरवल तो एक पे क्या है सपोज ये पे क्या है पॉजिटिव और ऑफ बी क्या है नेगेटिव। ओके okay? तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम इस जो पॉलिनामियल है उसके रूट्स के हम इट्रेशन फाइंड करेंगे सो so, हमारा फर्स्ट रूट होगा सो so, हमारा फर्स्ट रूट होगा एक्स वन विच इज मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल ए बी और उस मिड पॉइंट को आप लोग फाइंड कैसे करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और उस मिड पॉइंट को आप लोग फाइंड कैसे करोगे बाय दिस फॉर्मूला x1 वन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ओके फिर आप क्या करोगे अब आपको देखना है कि आपका एक इंटरवल क्या है ए टू एक्स और दूसरा इंटरवल है x1 वन टू बी अब आपका जो रूट है वो या तो फर्स्ट वाले इंटरवल में होगा ए टू एक्स में या फिर होगा x1 या b में ओके okay? अभी डिसाइड कैसे होगा कि a x1 में रूट है या x1 b में रूट है उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे स्टेप नंबर थ्री चेक साइन ऑफ वन तो आपको इस एक्स वन का साइन चेक करना है अब दो पॉसिबिलिटीज है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव तो हमें पता है कि रूट कहाँ होता है जहां पर ऑपोजिट साइन होते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में रूट होता है तो अगर एक यो एक्स वन पॉजिटिव है तो रूट किस इंटरवल में होगा एक्स वन डी में होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है और अगर वन निगेटिव हुआ तो फिर रूट कहाँ पे होगा रूट होगा ए एक्स वन में ओके तो जैसे ही हमें हमारा नेक्स्ट इंटरवल मिलता है जिसमें हमारा रूट लाइ करेगा हम हमारा सेकंड इटरेशन फाइंड करेंगे विच इज मिड पॉइंट ऑफ

तो आपको जितने इटरेशन बोला है आपको उतने इटरेशन वहां पे करने पड़ेंगे नाउ लेटेस्ट सॉल्व वन एग्जाम्पल जहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इस मेथड के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करना है सो नाउ एट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज एक्स ई टू दावर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाईजिंग बाई सेक्शन मेथड सो स्टेप नंबर वन क्या है हमें एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसके एक एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस एक पे माइनस ऐसी मिलनी चाहिए सो so अभी मैं देखता हूँ कि यह पॉप जीरो पे फंक्शन का साइन क्या आता है फॉप जीरो इज इक्वल टू तो आपको बस क्या करना है एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन विच इज इक्वल टू माइनस वन और और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है वन ई टू दावर वन की वैल्यू क्या है वन ई टू पावर वन माइनस नाउ यूज यूर साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड फाइंड दिस वैल्यू हाँ एंड वन मोर थिंग सेट यूअर कैलकुलेटर ऑन रेडियन मोड फॉर द कैलकुलेशन क्योंकि एग्जाम में हमेशा डिफॉल्ट क्या रहेगा रेडियन मोड रहेगा सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू पॉइंट वन सेवन सेवन सो वी कैन सी यहां पे निगेटिव आंसर है ये ऑफ जीरो और वन पे आपको क्या मिला है पॉजिटिव दैट मींस द वैल्यू इज इसका मतलब क्या है कि आपको जीरो पे क्या मिला है निगेटिव वैल्यू मिली है और वन पे पॉजिटिव वैल्यू मिली है ठीक है नाउ विल फाइंड अवर फर्स्ट इटरेशन, तो अब मुझे क्या करना है मुझे मेरा फर्स्ट इटरेशन फाइंड करना है एक्स वन तो एक्स वन क्या होगा एक्स वन इज नथिंग बट ये जो इंटरवल आपको मिला है इंटरवल ऑफ एक्जिस्टेंस इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव कहां पे होगा मिड पॉइंट यहां पे होगा ओके okay? अब मुझे देखना है कि जो रूट है वो रूट इस जीरो पॉइंट टू वन में होगा या फिर जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव में होगा लेट्स कॉल दिस इंटरवल वन इसको हम बोलेंगे इंटरवल टू ठीक है इसके लिए अब मैं क्या करूँगा यफ ऑफ 0.5 का साइन चेक करूँगा तो मैंने यहाँ पे 0.5 पॉइंट पुट किया एक्स की जगह पे कैलकुलेट किया और यफ ऑफ 0.5 का आंसर आता है माइनस जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू विच इज निगेटिव गे? अब माइनस साइन हमें माइनस मिला है तो आप लोग अभी मुझे बताओ रूट जीरो टू तो जीरो पॉइंट फाइव में होना चाहिए या फिर जीरो पॉइंट फाइव टू वन में होना चाहिए करेक्ट रूट होगा जीरो पॉइंट फाइव टू वन में क्योंकि क्या है दोनों पे ऑपोजिट साइड मिला है माइनस प्लस ठीक है सो नाउ इसलिए अभी क्या होगा जो हमारा इंटरवल था इंटरवल ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ रूट दैट इज जीरो पॉइंट फाइव एक्स वन टू वन ठीक है अब हम क्या करेंगे x2 टू फाइन करेंगे दैट इज अवर नेक्स्ट इटरेशन तो x2 टू फाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगेन सेम फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल प्लस लास्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय टू विच इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ओके, फेल विथ जीरो पॉइंट सेवन फाइव अब मैं उस मिड पॉइंट को यहां पे लिखता हूं ठीक है अब अब आपका जो रूट है वो जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव इस इंटरवल में होगा या फिर 0.75 पॉइंट सेवन टू वन इस इंटरवल में होगा अब एक उसके लिए हमें क्या करना है 0.5 पे हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू रखता है फंक्शन वन पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव अब मैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव पे फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ ये वैल्यू है आपकी जीरो पॉइंट एट फाइव सिक्स जीरो विच इज पॉजिटिव ओके तो यहाँ पे वैल्यू मिली है पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव में रूट नहीं होगा तो रूट होगा निगेटिव पॉजिटिव में जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव में ठीक है तो अब आपका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या हुए इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है जिसमें रूट है दैट इंटरवल और वो इंटरवल है टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ओके अब एक्स थ्री क्या होगा एक्स थ्री इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है सेम फॉर्मूला फर्स्ट पॉइंट Plus last point divided by two. So this value is equal to zero point six two five. यहां पे लिखो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ओके अब फिर से वही क्वेश्चन रूट जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव में है या जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव में है उसके लिए पहले इनका साइन देखो निगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे देखो इसका साइन क्या है जीरो या का इट इज पॉजिटिव फिर से वही चीज की रूट ऑपोजिट साइन में होना चाहिए इसलिए आपका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा जीरो पॉइंट फाइव टू तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव यहाँ पे है निगेटिव और यहाँ पे है पॉजिटिव ठीक है और फिर इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट ऑफ द इंटरवल डिवाइडेड बाय टू Which is equal to zero point five six two five. So this is your fourth iteration X four. So this is your fourth iteration X four, which is equal to zero point five six two.